हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। फाइंड वी हैव टू कैलकुलेट थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसमें डिपेंडेंट सोर्स भी दे रखा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो पहले हम VTH फाइंड करेंगे, देन ZTH फाइंड करेंगे। तो पहले VTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज जिन जिन पॉइंट के बीच में पूछा वहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं VTH फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मुझे A और B के बीच में क्या करना है, VTH फाइंड करना, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.5 आई नॉट। इधर तो ये ओपन है, तो ये वाली करंट यहाँ से भी फ्लो हो रही होगी, 0.5 आई नॉट, ठीक है। ये आई नॉट इधर जा रही है। अगर इस वाले नॉट पे मैं KCL लगाता हूँ तो क्या होगा, तो पहले हम कैलकुलेशन ऑफ VTH। अब यहां ध्यान से देखो, ये नोड मैंने कह दिया X है, एट नोड X क्या होगा, KCL अप्लाई करो, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। तो ये वाली करंट आ रही है यहां पे देखो, 15 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री ये आ रही है, आई नोट और 0.5 आई नोट जा रही है। तो ये कितना जा, आई नॉट प्लस 0.5 आई नॉट जा रही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आई नॉट इक्वल्स टू 15 एट एन एंगल ऑफ 0। तो आई नॉट की जो वैल्यू यहाँ से कितने आ गई, 1.5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी 10 एट एन एंगल ऑफ 0 इतने एम्पियर, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू हमें पता चल चुकी है इस सर्किट में, लेकिन आई नॉट तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, VTH एंड ZTH। तो देखो VTH केस कैलकुलेट करेंगे, लगाओ VTH केस करेंगे, लगाओ इसमें KVL, इसमें इस वाली ब्रांच में इसमें, ठीक है। KVL केस लगाना, यहाँ ऐसे करके जाना मुझे, ऐसे करके आ जाना, ठीक है। तो पहले माइनस साइन मिल रहा मुझे, माइनस VTH। यहाँ पे देखो, जब मैं KCL लगा रहा हूँ तो मैं इस तरह से चल रहा हूँ, ठीक है। करंट किधर आ रही है, इधर में, तो मैं करंट के अपोजिट हूँ, और करंट के अपोजिट हूँ तो क्या आएगा, माइनस का साइन, माइनस 0.5 आई नोट। क्या इम्पीडेंस है यहाँ पे, 4 प्लस j3। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ा, यहाँ तक आ गया, इसके बाद मैं इधर आऊँगा, तो ये जो करंट है मैं करंट की डायरेक्शन में ही हूँ, तो ये करंट किस किस से पास हो रही है, 2 से और माइनस जे 4 से। तो प्लस आई नोट इस बार प्लस आएगा, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इजिकस टू यहाँ तक मैं आ गया, यहाँ से बात कुछ नहीं है, भैया बी पर आ जाऊँगा मैं, इजिकस टू 0, ठीक है। इतना कर दिए, अब क्या करना है, यहाँ से आई नोट की वैल्यू मेरे मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा VTH की वैल्यू आ जाएगी मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर VTH की VTH इजिकस टू कितना आ जाएगा, ये मैं VTH को उधर ले गया, माइनस ये जो आई नोट की जगह कितने लग दूंगा, 10 एट एन एंगल ऑफ 0, ठीक है, माइनस 0.5 10 एट एन एंगल ऑफ 0, 4 प्लस j3 10 एट एन एंगल ऑफ 0, 2 माइनस j4। इसका बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10 का, ये हो जाएगा 5, माइनस 5, माइनस 5 की इसमें मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा माइनस 20, माइनस जे 15। ऐसे 10 का इधर कर दो, कितना आ जाएगा ये, 20 माइनस j 40। तो VTH की जो वैल्यू कितनी आ गई, 20 से 20 कैंसिल, और ये कितना बचेगा, j15 माइनस j45। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फेजर में, 55 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री इतने वोल्ट, ठीक है। तो VTH की वैल्यू आ गई। अब मुझे कैलकुलेट करना ZTH, जो कि ज़्यादा इसमें देखना होगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे जब डिपेंडेंट सोर्स दे रखा हो, ठीक है। तो ZTH के लिए तो वही है, जो डिपेंड इंडिपेंडेंट सोर्स होता है उसके साथ तो वही काम करना, जो वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज हो जो होगा उसको शॉर्ट करना, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा उसको क्या करना, ओपन करना, ठीक है। तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे एक बार सर्किट को ध्यान से देखो, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो ये तो हो जाएगा ओपन, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा ओपन। यहाँ डिपेंडेंट सोर्स के साथ कुछ नहीं करना, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स के साथ कुछ नहीं करना, जब ZTH फाइंड करना उसको एज इट इज, जैसा सर्किट में है उसको वैसे ही रखना, ठीक है।
मैं क्या करूँगा, बस इंडिपेंडेंस का से को ओपन ये शॉर्ट करूँगा, ठीक है, अगर वो वोल्टेज या करंट है, डिपेंडेंट को एज इट इज रखूंगा, ठीक है। तो इसको मैं देखो ओपन कर दूंगा, बाकी का एज इट इज सर्किट पूरा बनाऊंगा। तो इसको मैंने किया ओपन, यहाँ पे देखो ये तो हो गया ओपन, ठीक है। कौन सा? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये था एक्स नोड, इसके बीच में लगा ये 2 ओम माइनस J4 ओम, ठीक है। मैंने कहा उस बाकी चीज को कुछ किसी को नहीं छेड़ना है। आई नोट नेक्स्ट सर्किट में पूरा इसको ड्रॉ करता हूँ। 4 और ये J3, 4 ओम J3 ओम, यहाँ पे था एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, 0.5 I0 इससे करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो इतना सर्किट हमारा बचा। हमारे जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? ए और बी, ये ठीक है। तो मुझे यहाँ से ए और बी से यहाँ से क्या करना है, मुझे जेड टी एस फाइंड करना है। तो जेड टी एस फाइंड करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दूंगा और उससे करंट फ्लो करा दूंगा आई जी, ठीक है। मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया वी जी और उससे करंट फ्लो कराई थी आई डी, इन दोनों का ही मुझे रेशियो जो क्या देगा, जेड टी एस देगा, ठीक है, वी जी अपॉन आई जी का रेशियो। अब बस क्या करना, अब ध्यान से देखो, ये जो आई नोट है, ये आई नोट, ये 0.5 I0, इस वाले नोट पे आओ, मैं इस नोट को कहता हूँ वाई। तो इस नोट पे क्या होगा, ये आई नोट ऐसा आ रही है, तो आई नोट यहाँ तो ओपन है, इस इधर तो कोई करंट नहीं होगी, तो ये आई नोट जो आई होगी तो यहाँ से ऐसी आई होगी, ठीक है। तो इस नोट वाई पे जब मैं करंट लगाऊंगा तो आई जी आ रही है, आई नोट और 0.5 I0 जा रही है, तो एट नोड वाई क्या होगा, आई जी इज कमिंग, आई नोट प्लस 0.5 I0 इज गोइंग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 I0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं लगाता हूँ KVL कहाँ से, इस वाली ब्रांच में ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसा आ जाऊँगा, ठीक है। तो पहले मुझे मिला नेगेटिव साइन यानी माइनस वी जी प्लस, मैं करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो आई नोट प्लस कितना इम्पिटेंस, 4 प्लस J3। अगेन यहाँ पे ये अगेन ये आई नोट, ये 2 माइनस J4 यहाँ तक आ गया, उसके बाद मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो वी जी कस टू कितना आ जाएगा, आई नोट मैंने कॉमन ले लिया, 4 प्लस J3 प्लस 2 माइनस J4। आई नोट की वैल्यू, आई नोट तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए आई जी, तो आई नोट की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितना है, आई जी अपॉन 1.5, तो आई जी अपॉन 1.5 लिख लिया मैंने आई नोट की जगह। अंदर कितना बचा, 6, और ये बचा कितना, -J1, ठीक है। तो वी जी अपॉन आई जी का रेशियो चाहिए था मुझे, वी जी अपॉन आई जी को मैं इधर ले आया इसके नीचे, यही था क्या था मेरा जेड टी एच, ये इसको 1.5 है, इसको डिवाइड कर दो अंदर, जे अपॉन 1.5, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स, माइनस ये कि 1 से 1.5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -J0.66, ठीक है, इतने ओम, ठीक है। जब भी डिपेंडेंट सोर्स दिखे सर्किट में तो और हमें जेड टी एस फाइंड करना हो तो यही रूल लेके चलना, ठीक है। अलग अलग बुक में क्या होता है, इसको कभी वो 1 वोल्ट सोर्स मान लेता, अब अपने नेट के अकॉर्डिंग 1 वोल्ट का सोर्स मानने का, 2 वोल्ट का, 3 का, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग, हमें अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करना, इसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, वो उसमें वो क्या मेथड लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस एक ही रूल हमेशा फॉलो करना, वीजी अपॉन आई जी का रेशियो निकाल के ही हमें जेड टी एच मिलेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, ओके थैंक यू।